विद्या विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे धोरण 8 हिंदी में इकाई 9 ममता। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपने इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहार को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वही रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपने झोपड़े में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोंपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना। उसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। यानी कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता एक तीक्ष्ण घास का तणखले का एक प्रवाह था उसको देखती थी, और उसके मन में दुख था और मस्तक में कई विचार मगज में आ रहे थे और आँखों में पानी की धाराएं यानी कि आंसू की धाराएं बरस रही थी और वो चिंतित थे। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी यानी कि पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, क्योंकि वो चूड़ामणि रोहतास के दुर्ग की मंत्री की पुत्री थी, इसलिए उसे कुछ भी पाना असंभव था। परंतु वह विधवा थी, उसकी विडम्बना का अंत कहाँ था? क्या कहते, उसकी चिंता का यही अर्थ था कि वो विधवा थी, यानी कि उसकी विधवा होने के कारण उसकी दुख और उसका दर्द आगे और बढ़ गया। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह और उसकी कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुद थी, यानी कि वो ध्यानमग्न थी। उसी समय उसके पिता ने उस कमरे में प्रवेश किया। पिता का आना न जान सकी, यानी कि पिता के आने की आहट को वो जान न सकी, चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित यानी कि चिंतित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। अपनी प्रिय पुत्री को के लिए वो उसके दुख को दुख से उसे कैसे बाहर निकाले, ये चिंता उसे उन चूड़ामणि को सताती थी और वो उस चिंता में से बाहर निकल नहीं सकते थे। लौटकर बाहर चले गए और उसे ममता को देखकर वो
उस कमरे में से बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, क्या हुआ? लेकिन प्राय होते हुए उस मंत्री के मन में अधिक बड़ी बड़ी चिंताएं अधिक चिंताएं थी। उसी चिंता के कारण उसके पैर लथड़ते हुए थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक दिन एक पहर को वो ममता के पास आए। उसी समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ के लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, यानी कि चूड़ामणी के साथ कई सैनिक उसके साथ देखे लेकर वो ममता के कमरे में गए। तो उनके पैरों की आवाज़ को सुनकर ममता ने घूमकर देखा। तो मंत्री ने क्या किया, वो सभी सेवक के हाथों में जो चांदी के जो बड़े बड़े थाल थे उसे ममता के सामने रखने का आग्रह आदेश दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए, यानी कि सेवक अनुचर यानी कि सेवक जो वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटे, उपहार है यानी कि भेंट है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। यानी कि आवरण यानी कि थाल पर जो रुमाल थाल पर जो भेंट थी थाल में उन पर ढका हुआ जो कपड़ा था उसे क्या कहते हैं, आवरण। वो आवरण उन्होंने निकाल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी कि सोने का उस थालों में जो सोना सोना भरा था उसका जो चमक थी वो उसकी संध्या में यानी कि रात्रि में चमकने लगी। ममता चौंक उठे, इतना स्वर्ण? ममता एकदम आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगे, इतना ज़्यादा स्वर्ण यानी इतना सादा ज़्यादा सोना यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि ने क्या कहा कि चुप रहो, ये तुम्हारे लिए मैं सोना लाया हूँ। तो क्या आपने शत्रु का उत्को स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। क्या कहते हैं कि क्या आपने शत्रु के साथ मिलावट कर ली? ये अच्छा नहीं किया, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। क्या कहते हैं कि ये जो हमारे दुश्मन है सामंत उसके वंश का अंत तो नजीक ही है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी कि हाँ हमारे जो शेरशाह है रोहतास दुर्ग उनके यहाँ वो कभी भी आ सकता है। इस रोहतास दुर्ग पर अधिकार जमाने का वो अधिकार कर सकते हैं। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, और उसी समय वो यहाँ का शेरशाह बन जाएगा सामंत, तो मेरा मंत्रित्व पद भी छिन जाएगा। इसलिए ये सोना मैं लाया। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें दो मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। क्या कहते हैं कि इस मुश्किली का कोई युक्ति नहीं है? क्या हमारे जो परम पिता है जिसने हमें अन्न हमारा जीवन गुजारते जिसके द्वारा हम हमारा जीवन मिटा सकते हैं गुजार सकते हैं, तो क्या हमें इनके विरुद्ध जाना पड़ेगा? क्या हमें कुछ भीख नहीं मिलेगी, यानी कि कुछ खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न भी नहीं मिलेंगे? ये जो थाल है उस पर जो
उस पर जो सोना है उसमें वो देखकर आंखें चमक रही है, इसलिए उस पर उस थाल को ढंक दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि क्या कहते हैं कि तू मूर्ख है, और ये कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। और दूसरे दिन क्या हुआ ना, कई डोलियाँ वहाँ से आने लगी, जो सामंत है उसके वंश की डोलियाँ आने लगी, और मंत्री चूड़ामणि वो चिंतित होने लगे। वे अपने को रोक न सके, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। क्या कहा कि रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण यानी कि जो ऊपर ढका हुआ है उसको खुलवाना चाहा, लेकिन पठानों जो वहाँ के जो सैनिक है उन्होंने क्या किया, हम उसका आवरण खोलेंगे तो महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए, और वहाँ और बातें बढ़ गई, और उन लोगों में युद्ध होने लगे, और उस युद्ध में मंत्री मारे गए। राजा रानी और खुश सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, उसी समय राजा रानी के भी मर गए, और उस समय ममता वहाँ से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। क्या था कि काशी में के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों में से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के पाने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। का वहाँ जो एक जगह थी वहाँ एक झोपड़ी बनाई गई थी, और उस झोपड़ी में दीप लेके यानी कि दिया लेकर एक स्त्री अनन्या विचिन्त्यन तो माँ ये जना पैरुपासते इस श्लोक का पाठ कर रही थी। पाठ रुक गए। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, यानी कि उस दीपक के प्रकाश में एक व्यक्ति के आने आने का प्रकाश दिखाई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। स्त्री खड़ी उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा यानी कि दरवाजा बंद करने का चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी कि वो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे आपके कुटिया में रहने के लिए एक दिन आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, यानी कि चौसा युद्ध में वो भागकर शेरशाह से भागकर आया हुआ वो रक्षा मांगना चाहता था, उसलिए उसकी कुटिया में रहने का झोपड़ी में रखना चाहता था। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, कहता है कि इसी रात में मैं आगे चल सकता नहीं हूँ। क्या, शेरशाह से, स्त्री ने अपने होठ काट लिए, यानी कि इतना कहकर वो उसका मुंह बंद हो गया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक क्या कहते कि तुम भी ऐसे ही एक सैनिक दिखाई देते हो, वही निष्ठुर और प्रतिबिंब तुम्हारे मुख निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर दिखाई देता है। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा था, है साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ
इतना कहते कहते वह व्यक्ति गम में बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी कि उसको चक्कर आने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, यानी कि ममता ने क्या सोचा कि यह संकट कहाँ से आया। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उसको चक्कर आने लगे और उसका सिर घूमने लगा तो ममता ने उसको पानी दिया और उस मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, यानी कि उसके जीव में जीव आया। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आततायी घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। और वो सोचने लगी कि मेरे पिता का वध उसके पिता का वध उन ऐसे ही लोगों ने किया था। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? और वो स्वस्थ हुआ और उस मुगल ने क्या कहा कि माता तो अब मैं फिर वहाँ से चला जाऊँ? स्त्री ने विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव की सत्कार का पालन करना चाहिए। क्या कहती है ममता कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ और अतिथि देवो भव, यही धर्म का मैं सत्कार धर्म का पालन करना चाहिए, यही मैं जानती हूँ। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। आप क्या कहते कि ये सब दया के पात्र तो नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य अतिथि का सत्कार करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता कहती कि क्या कोई मुझे आश्चर्य लगता है कि तुम कोई कपट न करो, लेकिन ठहरो, रुको, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशीधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। और यह कहकर वो आगे निकलने लगा। ममता ने कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, जाओ भीतर थके हुए पति। और क्या कहते भीतर यानी कि अंदर आकर आप मुसाफिर रहो। वो उस हुमायूं को वहाँ रहने को आग्रह कर दे, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। क्या किया, उस ममता को, उस स्त्री को अंदर और मन में ही उनको वंदन किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया, यानी कि आराम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही यानी कि घोड़े सवारों ने उस प्रांत में घूम रहे थे, यानी कि उस कुटिया के आसपास घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी, यानी कि वो अपनी मूर्खता पर कि वो इस सैनिक को अपने घर में आश्रय दिया, उसी मूर्खता पर वो अपने आप को कोस रही थी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, यानी कि उसके सैनिक को बुलाकर कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, यानी कि उनके अंदर डर पैदा हुआ। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। और वो जो पथिक जो ममता के कुटिया में जो आश्रित था, उसने कहा कि अपने सैनिकों को कहा कि वो स्त्री को खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई, यानी कि बहुत अंदर के भीतर में वाली कुटिया में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, यानी कि सारे दिन वो उसी कुटिया में रही। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यानी कि संकट में यहाँ विश्राम पाया था।
मैं मुश्किल में था तो उस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। यह कहकर वो सभी अपने सैनिकों के साथ चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हुई, यानी कि बूढ़ी हो गई। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि ठंडी का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी कि उसका शरीर के अंदर जो हड्डियाँ थी वो खांसी के कारण गूंज रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियाँ घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन उसके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता गांव के लोगों के लिए, गांव की स्त्रियों के सुख दुख में भागीदार थी, इसलिए उनके ऐसे समय में कई स्त्रियाँ उसके आसपास बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक एक अश्वारोही घोड़े सवार उसी झोंपड़ी के द्वार पर, यानी दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 43 वर्ष की से ऊपरी की है हुई। क्या कहते हैं कि अब तो एक बुढ़िया जो जिस कुटिया में रहते थे वो बुढ़िया के तो अभी मर चुकी होगी, इसलिए मैं किसे पूछूं कि वो किसकी कुटिया में रहे थे और उसे विश्राम पाया था। अब तो ये 47 वर्ष हो चुके हैं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। क्या कहते कि मैं जानती नहीं थी कि वो सहसा था या मुगल था, लेकिन वो एक दिन मेरी झोपड़ी में वो मेरे साथ रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। क्या बनाने की आज्ञा दे चुका था कि वो ममता की कुटिया का झोंपड़ी का एक की जगह एक घर, अच्छा सा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ, यानी कि उस कुटिया को मैं छोड़ जाती। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, यानी कि मैं अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। अब मेरा यहाँ इस जगह में मकान बनाओ या महल मेरे कुछ काम का नहीं है। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया और उस बुढ़िया को देखकर वो अश्वारोही या घोड़े सवार था वो चौंक उठा। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी कि पत्थरों से बना हुआ चित्र लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। जो ममता ने ही उस झोपड़ी में आश्रय दिया था, उसी जगह में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर में जो ममता का था उसका नाम इस मंदिर में नहीं था। अब शब्दार्थ। प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के पास का कमरा। तृण गुल्म घास का समूह। जाड़ी तीक्ष्ण तेज। प्रवाह यानी कि बहाव। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा यानी और दुख। विकल यानी कि बेचैन। व्यथित यानी कि पीड़ित। दुहिता यानी कि पुत्री कन्या। विकर्ण होना तो फैल जाना। उत्कोच तो घुस। रिश्वत प्राचीर तो चार दीवारी।
विभूति यानी कि समृद्धि प्रभुता, विपन्न तो संकटग्रस्त, आतताई तो अन्यायी दूसरों को त्रास देने वाला, विरक्त तो खिन्न दुखी, मृग दाव तो शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण यानी कि वृद्ध जर्जर टूटा फूटा।